इस मॉड्यूल में हम क्लास ओलिगोकेट्स की रिजेनरेशन रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे जितने भी ओलिगोकेट्स हैं दे आर ऑल मोनेशियस और दे एक्सचेंज देयर स्पर्म्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज कपुलेशन अब इसके अंदर टेस्टिस होंगी ओवरीज होंगी अब टेस्टिस और ओवरीज जो हैं दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स

वहाँ से ये सेगमेंट्स को लेकर जाएंगे टूवर्ड्स दे आर रिस्पेक्टिव ट्यूब्स टेस्टिस जो हैं दे आर नॉर्मली क्लोजली एसोसिएटेड विद सेमिनल वेजिकल्स सेमिनल वेजिकल्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर रहेंगे सेमिनल रिसेप्टिकल्स दे विल रिसीव द स्पर्म्स ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज कपुलेशन फिर इसमें ओवरीज के साथ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स नोन एज प्रेजेंट एंड दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द डक्ट्स नोन एज ओविडक्ट्स दीज आर द वे वेयर द एग्स विल मैचूरेट एंड स्टोर प्रायर द टाइम टिल द टाइम दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी फिर इसके बाद कपुलेशन का प्रोसेस लम्बरीकस यानी अर्थ में किस तरह से स्टार्ट होगा इस ऑर्गेनिज्म दे विल लाइन अप फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन देयर वेंट्रल सरफेस ऑफ देयर एंटीरियर एंड विल बी इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर फिर इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी कि जो क्लाइटिलम का पार्ट है एक वर्म का दिस विल बी लाइन अप विद द जेनिटल सेगमेंट ऑफ द अनदर फिर एक म्यूकस शीत जिसको हम क्लाइटिलम कह देते हैं दे नॉर्मली सिक्रीट आ बॉडी कवर और एनवेल्प लाइक स्ट्रक्चर दैट विल होल्ड लेट स्ट्रक्चर इज और अनवेल्प इज ओनली सिक्रेटेड व्हेन द बोथ दम्स दे आर इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटी विद वन अनदर। फिर कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर सम जेनेटल स्ट्रक्चर दे आर ऑल्सो सिक्रिटिड एट दिस टाइम लम्बरी कस में स्पाम जो है दिस इज रिस्पॉसिबल फॉर रिलीजिंग द स्पम्स और ये स्पम्ब्स जो हैं दे विल ट्रेवल अलोंग द एक्सटर्नल वेंट्रल बॉडी वॉल इन स्पॉम ग्रूफ्स दैट आर फॉर्म बिटवीन द स्पेशल मसल्स फिर मस्कुलर कंट्रेक्शन होंगी अलॉन्ग द ग्रूफ और दिस काइंड ऑफ मस्कुलर कंट्रेक्शन ऑल्सो प्रोपेल द स्पम टूवर्ड्स द ओपनिंग्स ऑफ द सेमिनल रिसेप्टल्स कुछ दूसरे ओलिगोकिड्स के अंदर कपुलेशन के दौरान जो अलाइनमेंट है स्पर्म डकट की और सेमिनल की वो नहीं होगी बल्कि स्पर्म्स जो हैं दे विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली फिर कपुलेशन जो है दिस विल नॉर्मली लास्ट फॉर टू टू थ्री आवर्स ड्यूरिंग विच Both the, both the worms they exchange the sperms following the copulation clytelium is formed a cocoon is formed normally this diagram up, they claim position of copulation in feritima feritima is the zoological name of the earthworm this is the earthworm 1 this is the earthworm 2 both these are in contact through their ventral body surface दिस इज द मेल जेनिटल अपर्चर स्पर्मेथिकल ओपनिंग्स मेल जेनिटल अपर्चर स्पर्मेटिकल अपर्चर्स दे वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट बोथ द वम्स दे नॉर्मली एक्सचेंज देयर स्पाम्स और उसके बाद जो है दोनों में क्लाइटिलम स्ट्रक्चर जो है इसकी अपेयरेंस स्टार्ट होगी और ये मेल जेनिटल अपर्चर फीमेल जैनिटल अपर्चर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ स्वर्म्स फ्राम वन अर्थवर्म टू दी अनदर वन अब कोकोन जो है दिस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ ए म्यूकस लाइक मटीरियल काइटनियस मटीरियल एंड दैट यूजली और ये काइटनियस मटीरियल जो है दिस इन सर्कल्स द कोकोन क्लाइटिलम नॉर्मली सिक्रीट्स फूड रिजर्व एंड एल्ब्यूमन इन टू द कोकोन एंड वॉम नॉर्मली बिगनस टू बैक आउट ऑफ द कोकोन एग्ज़ जो हैं दे आर आल्सो डिपोजिटेड इन टू द कैकून कोकून विल पास टू द ओविडक्ट दैन स्पर्म्स आर रिलीज थ्रू द सेमिनल रिसेप्टल आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन विल आल्सो टेक्स प्लेस इन टू दिस कोकून लाइक स्ट्रक्चर और इसके बाद जो है फिर कोकून का एंड ब्रेक होगा और ये सील्ड हो जाएगा और कुकून जो है वन सिटीज़ हैविंग जाय दिस विल बी नाउ रिलीज और डिपोजिटेड इन टू द मोइस्ट सॉइल फॉर फर्दर डेवलपमेंट अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्लीवेज का प्रोसेस आएगा जिसमें स्पायरल क्लीवेज होगी और कोई भी लार्वा मौजूद नहीं होगा हीचिंग होगी और हेचिंग के बाद हेचिंग डिपेंड करता है उसका टाइम ऑन टू डिफरेंट स्पीशीज और हेचिंग के बाद जो है यंग वर्म्स डिवेल्प करेंगे फ्राम द वन दे रपचर द एंड ऑफ द कोकून एंड देन दे आर रिलीज और फिर फ्रेश वाटर ऑलिगो कीड्स जो हैं दे कैन ऑल्सो शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिसाइड्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर्स डिवीजन होगी वर्म की फॉलोड बाई द रिजनरेशन ऑफ द मिसिंग बॉडी पार्ट्स दिस इज दर्थवर्म रिप्रोडक्शन मेल जेनिटल पोर्स क्लाइटिलम हैड क्लाइटिलम यहाँ पे ट्रांसफर है स्पर्म की फ्राम वन वम टू द अनदर वर्म एट द टाइम ऑफ कपुलेशन फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट वर्म्स जो हैं इनकी ट्रांसफर स्पीएन से बॉडी के अंदर एक से दो वर्म्स जो है वो भी बन सकते हैं तो सो दिस डायग्राम शोज रिजनरेशन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओलीगो